रसोई संगीता के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्जी, आप सभी को बना के दिखाऊंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कद्दू फरा हुआ है, यहाँ भी फरा हुआ है, यहाँ ही फरा हुआ है। हम कच्चा ही कद्दू बनाएंगे, पके हुए कद्दू का सब्जी नहीं बनाएंगे। कद्दू ही पहले ही तोड़ लिया था, कच्चा ही कद्दू तोड़ा है हमने, कच्चा ही कद्दू लिया था और ये काट लिया है, इसका छिलका नहीं उतारा है। अब इसको हम छौंकेंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। हमने चूल्हा को जला लिया है, कढ़ाई को रख दिया है और इसमें डाल दे रहे हैं तेल को। हमने हरा मिर्च लिया है, अब इसको काटेंगे। हरे मिर्च को इसमें डाल दे रहे हैं तेल में। आप देख सकते हैं मिर्ची का तड़का भून उठा है। अब इसमें डाल दे रहे हैं कद्दू की सब्जी। इसी तरह इसको चला लेना है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं। दस मिनट तक ढक के रखे थे दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे मसाला। यह है धनिया पाउडर, यह है लाल मिर्च और यह है गरम मसाला, यह है हल्दी पाउडर। अब इसको हम मिलाएंगे। अब इसको अच्छी तरह से चला ले रहे हैं। अब इसमें डाल दे रही हैं नमक। अब इसको चला लेना है। अब इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे ढक के। इसको ढक दे रहे हैं। अब इसको देखते हैं पका है कि नहीं। अभी हमारी सब्जी नहीं पका है, इसी तरह बीच बीच में चला लेना है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए और ढकेंगे। अभी पका नहीं हुआ है, देख सकते हैं ढक दे रहे हैं। आप देख सकते हैं सब्जी पक चुकी है। हमारी सब्जी पक चुकी है। हमारी सब्जी पक चुकी है, अब इसको उतार ले रहे हैं।
हमने रोटी को बना लिया था, साथ में चावल ही बनाया था। हमारी कद्दू की सब्जी बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, दिखाओ प्लीज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा मनोबल बढ़ाना। हमारा शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।